अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमताज वसीम, PSX एनालिसिस है। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 41 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। कैसे 100 इंडेक्स 47,493 की सतह के करीब बंद रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 116 मिलियन का काम कैसे 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि ऐसी ऑल शेयर के साथ 250 मिलियन का काम हुआ जिसकी वैल्यू 7 बिलियन बनती है। तो नो डाउट वॉल्यूम वाइज बात की जाए तो एक गिरावट जरूर हम देख रहे हैं कैसे 100 और कैसे ऑल शेयर के वॉल्यूम्स के अंदर। लेकिन उसकी वजह भी यह है कि कल जो वॉल्यूम लगे थे वो छोटे स्टॉक्स के अंदर लगे थे और वो भी सिर्फ न्यूज़ बेस की वजह से लगे थे। एनीवेज अगर हम देखते हैं तो आज की मार्केट काफ़ी साइड वेज काफ़ी कंसोलिडेशन गुजारती हुई नज़र आई। और अल्हम्दुलिल्लाह कल आपको एक बात बताई गई थी, एक लेवल बताया गया था 47,610 का, कि ये जो 600 का लेवल है ये मार्केट के लिए आज के दिन एक बेहद ही इम्पोर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा। ये बात कल के दिन आप लोगों को बताई गई थी और बताया गया था ये लेवल के ऊपर फोकस करना चाहिए 47,600। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक्यूरेसी को मैच करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई बन जाती है। इसी तरीके से हमने आपको पहले भी, जैसे आपको लास्ट से लास्ट वीडियो में नेटसॉल की बाई कॉल दी थी, हमारे एग्जैक्टली लेवल से आया बाइंग आई उसमें और फिर वो 85 का आज उसने हाई मारा। हमने 79-78 के पास बोला था कि 77 का स्टॉप लॉस देकर बाई कर सकते हैं। उसके अलावा EPCL का बताया गया था, मीज़ान बैंक का बार बार बताया जा रहा था, तो इसी तरीके से आपको बताते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक्यूरेसी है वो 80-90% होती है। तो बहरहाल यूट्यूब के थ्रू ही हम फ्री में ही कोशिश होती है कि स्टॉक्स दिए जाएँ, क्योंकि मेरा मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस की फील्ड में 70% एक्यूरेसी इज़ इनफ। ठीक है ना, 70% आपको मिल जाए। इवन लोग तो मैंने देखा 50% एक्यूरेसी के साथ ही अच्छा प्रॉफिट बना रहे होते हैं अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए चले। लेकिन 70% भी अगर आप अचीव कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में, मतलब कि आपने 10 ट्रेड ली उनमें से अगर आपकी 3 लॉस में भी चली जाती है लेकिन जो 7 ली उनमें आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो 3 ट्रेड का जो लॉस है वो मैटर नहीं करता। तो बहरहाल इन्हीं चीज़ों को अगर हम लेकर चलेंगे तो मार्केट में हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकेंगे। बहरहाल फिर सेलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट भी नेसेसरी होती है कि भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन सा स्क्रिप्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि जो ऑयल एंड गैस के सेक्टर हो जाते हैं OGDC PPR, ये ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं होते, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होते हैं। क्योंकि एक तो इनके अंदर वॉलीटेलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, 1% मूव करे अगर जो स्टॉक पूरे दिन में, तो आप उससे क्या ही गेन ले पाएंगे। हफ्ते में जिसका रेंज ही 2-3% की हो इन अ नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन जब नॉर्मली 1-3% मूव करता है तो आप उसे कितना ही गेन निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो मैंने अक्सर औकात जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। और जैसे कल आप लोगों को मैंने एक और भी बात बताई थी टैली कार्ड के हवाले से, स्टार्टिंग में जब टैली कार्ड आया मेरे लिस्ट में टॉप एक्टिव स्टॉक्स में, तो बता दिया गया कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन इस वक्त पूरी मार्केट का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो अगर इसके अंदर कोई सुबह सुबह प्रेशर आता है, नीचे आता है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह एक्ट करेगा। तो बेसिकली हर एक मिनट हर एक सेकंड जो आप मैं वीडियो बना रहा होता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो अगर आप बगैर स्किप करें देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। जैसे टैली कार्ड का वो मैंने शायद 15-20 सेकंड में आया होगा शुरू में, आप देखेंगे 10-15 सेकंड मैंने बताया उसके हवाले से। अब जो लोग स्किप कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली वो उसका सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाते। एनीवेज अगर मैं बात कर लेता हूँ आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो WTL टॉप एक्टिव रहा, 5 पैसे नेगेटिव रहा, 41 मिलियन का काम हुआ, जबकि इलेक्ट्रिक 8 पैसे पॉजिटिव रहा, 28 मिलियन का काम हुआ, जब टेलीकार्ड 16 पैसे प्लस रहा। आज ऐसे 6.90 या 6.79 तक गया था और आप देखिए उस लेवल से इसने कितना अच्छा बाउंस बैक किया। नो डाउट इसकी जो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग आई वो 4 पैसे नेगेटिव आई, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस देखें तो बहरहाल ये वो चीज़ होती है जो मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो में बताता रहता हूँ। फिर मैपल लीफ सीमेंट के अंदर आज हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। अब आप लोगों को एक और बात भी कल मैंने बताई थी कि मार्केट जो है वो रुकेगी ज़रूर। ठीक है ना, कुछ लोग प्रॉफिट टेकिंग करने आएंगे, कुछ लोग शॉर्ट करने आएंगे, ऑल्दो मैं शॉर्ट को जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा इस बार, लेकिन ये बात आप लोगों को बताई गई थी। ऑल्दो कल के जो कैप्स लगे थे उसके बाद तो लोगों को तो कोई एक्सट्रीम तेज़ी लग रही थी मार्केट में, लेकिन मैंने बोला 47,600 का लेवल कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। एनीवेज आगे के अगर आप देखते हैं स्टॉक्स तो मैपल लीफ 40 पैसे नेगेटिव रहा, जब सिनर्जी 7 पैसे पॉजिटिव, PIA 3 पैसे नेगेटिव, या PPL 1 रुपये माइनस, OGDC 1.5 रुपये माइनस। OGDC ने एक अपना इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच किया है, सपोर्ट लेवल को। BGKC 17 पैसे नेगेटिव, या SNGP 54 पैसे पॉजिटिव बन रहा। या टॉप एडवांसर्स को मैं देखता हूँ तो गेमन आज भी अपर कैप पर रहा,
जहाँ PASL के अंदर भी अच्छा इजाफा हुआ, थोड़े वॉल्यूम भी लगे, बाकी तो मोस्टली सभी इलिक्विड स्टॉक्स में आ जाते हैं। या टॉप डिक्लाइन साइड पे मोस्टली इधर जो है वो इलिक्विड स्टॉक्स ही नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर बात करी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर रोज़ बरोज़ नीचे ही आ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए स्पेशली, और इम्पोर्ट जो कंपनीज इम्पोर्ट ज़्यादा करती है रॉ मटेरियल, उनके लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इससे उनके मार्जिन के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। एनीवेज हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी कमोडिटीज़ को देखो तो क्रूड ऑयल 3 पैसे सॉरी 1 सेंट नेगेटिव चल रहा है, $82.31 के पास, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपका जो ऑयल है वो अब नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम जो है वो ऑयल प्राइसेस पेट्रोल प्राइसेस में एक रिडक्शन भी देख सकते हैं, एक अच्छी खासी अमाउंट एटलीस्ट लाइक 20 रुपये होनी चाहिए अगर आज के हिसाब का जो क्रूड ऑयल जिस हिसाब से चल रहा है उसके हवाले से मैं बात करूँ। बहरहाल हम देखेंगे कि अनाउंसमेंट से पहले जो है वो क्रूड ऑयल क्या किधर ट्रेड कर रहा है। एनीवेज अगर मैं बात कर लेता हूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स हॉल से, तो मिलेट ट्रैक्टर टॉप कंट्रीब्यूटर आगे आप देख सकते हैं, सिस्टम, दाऊद, हरक्यूलस, एंग्रो कॉर्पोरेशन, मीजान बैंक हो गया, FFC, और आगे आप चल कर देख सकते हैं। जहाँ डिक्लाइन साइड पे आज हबको बेसिकली ये एक्स हो गया, इस तक मैं डिविडेंड दिया था तो एक्स हुआ, उसके बाद इसके अंदर अच्छा इजाफा रहा। फिर HBL, PSEL, OGDC, PPL, चिराट सीमेंट, POL, MCB, JDWS और ये चंद स्क्रिप्ट हो जाता है जिन्होंने मार्केट के अंदर आज थोड़ा प्रेशर बनाकर रखा। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट का हाल हो गया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट मिल सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैसी 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और अगर आप आज देखेंगे तो ये जो 41 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव रही, तो आप कह लीजिए जो 5 डेज थे इस वीक के वो 5 के 5 पॉजिटिव रहे, ठीक है। और तो आज का जो दिन था वो मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में गेन नहीं रहा, लेकिन द गुड थिंग इज कि मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग आई, और इस वीक में मार्केट ने 1260 पॉइंट्स का गेन किया, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर बन जाता है, परसेंटेज में 3.5% का ये रिटर्न बनता है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बहरहाल आज की जो कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम की, बहुत छोटी सी कैंडल बनी है आज, क्योंकि मार्केट की जो रेंज थी वो 200 पॉइंट की थी, ठीक है ना। तो 200 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट के अंदर हमने मूवमेंट आते हुए देखी, जिधर कुछ स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहे थे, स्टील के कुछ हो गए जैसे, और बेसिकली अप एंड डाउन ऑफ मार्केट में हमने देखी ओवरऑल। अच्छा अभी बात की जाए तो आज की कैंडल जो बनी है इट इज़ नॉट क्या कह लीजिए सफिशेंट टू से कि अब मार्केट बियरिश हो गई है, ठीक है ना। ये कह देना खाली आज की मूवमेंट को देखकर कि यहाँ से अब मार्केट मंदी है, यहाँ से अब मार्केट नीचे आएगी, ये कहना गलत है, इट्स टू अर्ली टू जज, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग जो है मार्केट में थोड़ी गिरावट आती है उसको कह लेते भाई गिरावट आ गई मार्केट में, तो यहाँ से मार्केट इतनी गिर जाएगी। तो एक बात याद रहे कि खाली एक कैंडल के ऊपर जो है आप खाली ये नहीं कह सकते कि मार्केट मंदी हो गई या मार्केट में तेज़ी हो गई, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड बदल गया, हम उसको आगे देखेंगे। हमें काम कैसे करना है, हमें काम करना है क्या कहते हैं लेवल वाइज, प्राइस एक्शन वाइज, जहाँ ब्रेकआउट आएगा हम वहाँ काम करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, ठीक है ना। बहरहाल अब मैंने कुछ लेवल्स निकाल के रखे किसी 100 इंडेक्स के, वो आपको दिखा दूँ। मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 47,619 का है। मार्केट जो है इस लेवल से अराउंड या 600 आप कह लीजिए राउंड फिगर ही, 690 नहीं 600 कह लीजिए, अराउंड मार्केट 100-110 पॉइंट इसके नीचे आकर बन रही है। तो यही मार्केट का एक पहला इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर जो अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो वंस अगेन मार्केट में जो एक्टिविटी है बुलिश एक्टिविटी वो वंस अगेन रिज्यूम होती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके अंदर फिर मार्केट में मजीद हम 150-200 पॉइंट की तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 47,750-800 का मार्केट को इनिशियली टारगेट करता हुआ देख सकते हैं। 47,800 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल एक टारगेट की तरह एक करेगा, और इसके ब्रेकआउट पे फिर मजीद जो मार्केट के लेवल आएंगे वो 47,976 से 48,000 का लेवल होगा। सपोर्ट साइड पे बात की जाए तो मार्केट का इमीडिएटली जो एक लेवल आ रहा है इमीडिएट लेवल या इमीडिएट सपोर्ट लेवल, जो कि मैं कहूँगा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहना चाहिए, वो है 47,400। ये मार्केट का इस वक्त इमीडिएटली एक सपोर्ट लेवल आ रहा है। इसके नीचे जो है हम कुछ डिप्रेस एक्टिविटीज देख सकते हैं मार्केट के अंदर। वही बात है कि मार्केट में एकदम मंदी नहीं हो जानी है, मंदी का कौन सा लेवल, इसके बाद वाला लेवल। अगर अच्छे मार्केट 47,250 के नीचे बंद होगी तो गिरावट होगी, वरना अभी हम मार्केट में तेजी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 100-200 पॉइंट अगर मार्केट गिरती है तो उसको टेक्निकल एडजस्टमेंट कहते हैं, उसको गिरावट नहीं कहते, ठीक है ना।
नो डाउट मार्केट आपकी एक हाईली अब ओवरबॉट पोजीशन पे आ रही है। मार्केट में हमने 1200 पॉइंट की एक तेजी देखी, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है। अभी भी मार्केट भी काफी हद तक सेंटिमेंटली ड्रिवन है, क्योंकि हमने देखा कुछ गुड न्यूज आई इस वीक पे जिन्होंने मार्केट को पुश किया, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से आई, ठीक है ना, कि आपका इंटरेस्ट रेट अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो हमने सीमेंट और स्टील के अंदर एक रैली देखी, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट में अगर और कोई गुड न्यूज़ आ जाए, सऊदीया की तरफ से इन्वेस्टमेंट के हवाले से आ जाए, या इलेक्शंस के हवाले से हो जाए, मज़ीद क्लैरिटी आ जाए, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव होगी। क्योंकि वही बात है कि मार्केट ने जो दो सालों में गिरावट की है ना, ये 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट उसको मेकअप नहीं कर सकते। क्योंकि बाजार को हमें देख रहे हैं इंडेक्स जो है वो 47-48,000 पे आ गया, लेकिन जो अभी भी रेट्स है वो आधे है। मैं कहूँगा जो पिछली बार इंडेक्स आया था लाइक 2021 में 48,000 के पास, तो उस वक्त के रेट को अगर आप आज के रेट से कंपेयर करेंगे तो ज़मीन आसमान का फर्क है, सिवाय चंद स्क्रिप्ट के, ठीक है। कुछ जैसे सिस्टम हो गया वो आपका एक हाई साइड पे है, रिफाइनरी के स्टॉक्स हो गए, लेकिन आप मेजॉरिटी मार्केट को देखेंगे, सीमेंट, स्टील, सेकेंड थर्ड टियर के स्टॉक, वो सभी ज़मीन पे हैं। तो मेरा मकसद ये कहने का कि उनके अंदर भी हमें बहुत बड़ी बड़ी रिकवरीज देखने को मिलेंगी आने वाला जो टाइम होगा। इंशाल्लाह जैसे ही हालात मजीद बेहतर हो जाए, स्टेबिलिटी की तरफ हम मूव करेंगे, तो इंशाल्लाह सबके नंबर आएंगे सारे आइटम में, जो सब के सब इंशाल्लाह हमें एक रैली में आता हुआ देखेंगे। स्पेशली सबसे पहले कौन सी कंपनीज आपको रिकवर करती हुई नजर आएंगी, जो कि बिग कंपनीज है, इस्टेब्लिश कंपनीज है, उनके अंदर रिकवरीज नजर आएंगी, और ग्रेजुअली उन कंपनीज के अंदर हमें देखने को मिलेगा बेसिकली जो कि सेकेंड थर्ड ईयर के स्टॉक से फिर उनकी बारी आएगी, ठीक है। एनीवे सपोर्ट लेवल आपको बता रहा था 47,400 का लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करे तो मेरा मानना है कि इंट्राडे में नई एंट्रीज नहीं लेनी, ठीक है ना, न्यू एंट्रीज बेहतर है इस लेवल के नीचे जो है वो स्टॉप की जाए, और 47,250 को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो स्विंग एंट्रीज नहीं लेनी, ठीक है। फिर जो मार्केट का अगला सपोर्ट लेवल होगा वो 47,080 से 47,050 का रहेगा, एक बहुत मेजर लेवल है, इसको मार्केट ब्रेक करती है तो अगला लेवल आएगा 46,900 का, ठीक है। तो ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है जो मैंने आप लोगों के सामने प्लॉट कर दिए, ठीक है। अभी भी मार्केट जो है वो बुलिश ही है, ठीक है, अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और 47,600 का जो रेजिस्टेंस लेवल है यही लेवल रहेगा। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी, मार्केट में वही बुलिश एक्टिविटीज हमें वंस अगेन रिज्यूम होती हुई नजर आ सकती है, और 47,800 का टारगेट दिख सकता है मार्केट के अंदर। मेरा क्या मानना है, क्योंकि अब मार्केट इतने हाई लेवल पे आ चुकी है, अब यहाँ पे अगर आप लेवल के साथ काम करेंगे तो जो आउटकम है वो आपको अच्छा मिल सकेगा। अब जो बेसिकली वीडियो का एक अगला हिस्सा रहेगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हम इंट्राडे स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करें। आज जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ ना इंट्राडे के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, और आप लोगों के लिए आगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह काफ़ी प्रॉफिटेबल भी साबित हो सकती है। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप इंट्राडे स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी सबसे पहले आप समझ लीजिए, जब आप इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे होंगे तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि उसके अंदर जो है वॉल्यूम्स अच्छे हों, ठीक है ना। क्योंकि एज एन इंट्राडे ट्रेडर आप यही चाहेंगे कि आपका माल आसानी से आपको मिल जाए और आसानी से बिक जाए, ठीक है ना। तो वॉल्यूम्स, लिक्विडिटी इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि उसकी वॉलेटिलिटी भी डिसेंट हो, एटलीस्ट 2-3% वो मूव करे एक दिन के अंदर, ताकि आप आधा या 1% उससे निकाल पाए, ये आपकी होनी चाहिए। अब ये हम कैसे फिल्टर आउट करेंगे कि जैसे आज जुम्मे का दिन है ना, अब आप मंडे के लिए अगर कोई प्लानिंग करना चाह रहे कि भाई मैं किस में ट्रेड लूँ, तो आपने क्या करना है सबसे पहले कि जो टॉप 15 जो एक्टिव स्टॉक्स है, टॉप 15 से टॉप 20, मैं प्रेफर करता हूँ टॉप 15, अगर अच्छे तो आपका बहुत ही कम आप अमाउंट से ट्रेड करते हैं, मान लीजिए 1-2 लाख से सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे के अंदर, तो आप टॉप 20 तक भी जा सकते हैं, इवन उससे 25 तक भी। लेकिन अगर आप एटलीस्ट 10 लाख से ट्रेड करते हैं, तो मेरा मानना है एटलीस्ट टॉप 15 में आपने सिर्फ टॉप 15 स्टॉक्स को देखना है, टॉप 15 एक्टिव स्टॉक्स। अब उनके अंदर भी किस स्टॉक्स को देखना है जिनके अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा हो। अब जैसे मेरे सामने आ रहा है आज, जैसे मैं एप्पल लूँ 4th नंबर पे 3195 पे बन रहा। अब हम क्या करेंगे, हमने इस स्टॉक को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। अब इंट्राडे के लिए हम सेटअप करेंगे, कैसे करेंगे, हम आएंगे अपने पोर्टल चार्ट्स पे और वो स्टॉक को पुट कर लेंगे। मैप लीफ जैसे हो गया, मैप लीफ हो गया, अब मैं इसके अंदर आ जाऊँगा 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि 15 और 5 मिनट को आप लोग को तरजीह देनी है फॉर एन इंट्राडे मूव के लिए।
तो बहरहाल अभी इंट्राडे के लिए हम आ गया, जैसे मैपल लीफ आ गया, अब हम इधर लेवल्स मार्क कर लेंगे। जैसे लेवल्स क्या हो सकते हैं, रिसेंटली टेस्टेड लेवल। जैसे अगर मैपल लीफ की मैं बात करूँ तो मैपल लीफ का एक इंपॉर्टेंट लेवल है 31.85 रुपये के पास। अगर मैं आपको फिबोनाची भी प्लॉट करके दिखाऊँ फ्रॉम रिसेंट लो टू रिसेंट स्विंग हाई, तो ये जो 31.85 रुपये का लेवल है ये फिबोनाची का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस बेसिस पे मैंने एक लेवल निकाली 31.85 रुपये। इसका मतलब ये है कि अगर ये इस लेवल के नीचे नीचे ट्रेड करता है तो इसके अंदर आपको इंट्राडे में शॉर्ट मिल सकता है, मतलब शॉर्ट करने को मिल सकता है, ठीक है ना। या फिर अगर आपको एग्जिस्टिंग शेयर्स पड़े हुए हैं तो आपने उसको बेचकर फौरन नीचे ले लिया 30-40 रुपये नीचे, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड में 30 रुपये का मतलब हो गया 1%, और ये एक इनफ हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं फिबोनाची में जो अगला सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 31.43 रुपये आ रहा है, हम सेफ साइड के लिए इसको 45 रुपये ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम किया जाता है इंट्राडे में, स्टॉक्स को इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। मैंने एक मिसाल दी आप लोगों को। अब ज़रूरी नहीं है कि 31.85 रुपये को ब्रेक करे ही करे, हो सकता है इधर से रिवर्सल आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमें कोई सिर्फ एक स्टॉक की नहीं प्रिपरेशन करनी। मैंने आपको क्या बोला कि टॉप 15 एक्टिव जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि टॉप 15 एक्टिव स्टॉक्स में एक चांस होगा कि अगले दिन भी उनके अंदर उतना ही ज़्यादा काम, ठीक है ना, एक चांस होगा। हो सकता है कि आज का जो टॉप 15 एक्टिव स्टॉक्स है वो मंडे के टॉप 15 से थोड़ा मुख्तलिफ हो, 2-5 शेयर अलग हो, वो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन एक चांस जो है ना वो बरकरार रहेगा। तो आपने क्या करना है कि मैं टॉप 15 एक्टिव स्टॉक्स में से आपने 5-7 या 8 स्टॉक्स इसी तरीके से सर्च कर लेने हैं, ठीक है, और उनके लेवल्स निकाल लेने हैं और अपने स्क्रीन पर लगा लेने हैं, ठीक है। अब मार्केट जब खुलेगी जिस भी स्टॉक में आपको ब्रेकआउट मिले, हो सकता है आपको मैपल लीफ हो गया इसी तरीके से, मैपल लीफ में ब्रेकआउट मिल गया तो आपको ट्रेड मिल गए। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ तो डीजी खान सीमेंट में बहुत अच्छी हम वो देख रहे थे बेसिकली अप डाउन, तो मैं जैसे डीजी केसी को सर्च कर लेता हूँ, तो डीजी केसी में अगर आपको एक मूवमेंट मिल गई तो आपने इसके अंदर जो है वो एक एंट्री ले ली। इसी तरीके से फिर टीआरजी में आज काफ़ी काम हो रहा था, नेट सॉल हो गया। तो ये जो टॉप 10 या 15 हो जाते हैं एक्टिव स्टॉक्स, उनके अंदर आप काम कर सकते हैं। ये है टेक्निक जो खैर कोई आपको ज़्यादातर ये लोग इसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया कि कैसे सेलेक्ट किया जाए स्क्रिप्ट। अगर आप इन इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो किस तरीके से ग्रो करेगा, आपका जो आपकी ट्रेडिंग है वो किस तरीके से प्रॉफिटेबल रहेगी। इसी तरीके से जैसे मैंने एक और सर्च कर लिया स्टॉक नेटसॉल। अब नेटसॉल का क्या सीन था कि नेटसॉल में हमने देखा था कि आज काफ़ी मूवमेंट रही, नेटसॉल का आज हाई देखे 85.30 और लो 79 का, तकरीबन 6.30 रुपये की मूवमेंट यार, तकरीबन 5% बन जाता है। अब आज 5% है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि मंडे को भी 5% ऊपर नीचे होगा, 2 या 3% भी हो जाए इट्स मोर देन इनफ, ठीक है ना, हो सकता है ज़्यादा भी हो। लेकिन आपने क्या करना है, जो स्टॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा वॉलीटाइल हो और जो स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम, आज इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा रहा, हो सकता है मंडे को 35 लाख आज जैसे लगा, 35 लाख नहीं तो यार 10 लाख 15 लाख भी लग जाए तो इट्स डिसेंट, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये नेटसॉल निकाली अपने सामने, अब नेटसॉल को अगर मैं देखता हूँ चार्ट्स में, 15 मिनट का चार्ट है तो मुझे देख रहा है यार 82 का ये लेवल अच्छा लेवल है इसका, मतलब अच्छा अभी अपने हाई से 85 से अच्छा खासा नीचे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अच्छे सपोर्ट लेवल्स फाइंड करूँगा, जैसे कि है नेटसॉल हो गया, मैं इसका देखूँगा यार इसका सपोर्ट लेवल्स कहाँ आ रहा है। जैसे ये इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल आ रहा है 81.50 के पास, तो इन लेवल्स के पास मैं देखूँगा कि अगर ये आता है इधर के पास कोई ग्रीन कैंडल बनाता है या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है, तो मैं एक इंट्राडे में बाई ट्रेड लूँगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इस तरीके से बेसिकली प्लानिंग की जाती है मार्केट के अंदर। अब एक आखिरी टिप आप लोग याद रख लीजिए, एक तो ये कि ट्रेंड को आपने सबसे ज़्यादा देखना है। जैसे आज जो है नेटसॉल एक ज़बरदस्त तेज़ी के उसमें है, तेज़ी के बाद अब ये थोड़ा नीचे आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल इसका जो मेन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, अब नीचे आकर कहीं से भी मुझे कुछ साइंस ऑफ रिवर्सल मिलेंगी तो मैं बाई ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि इसका मेन प्राइमरी ट्रेंड एक अप ट्रेंड है। अब एक आखिरी पॉइंट याद रख लीजिए, सबसे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बताने वाला हूँ वो ये कि कभी भी सपोर्ट लेवल पे, जैसे मान लीजिए 82 इसका भी लेवल है, ये बंद हुआ 82 रुपीज़ पे, अब 81.50 आ गया तो मैंने डायरेक्टली बाय कर लिया, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, ऐसे नहीं करना है कभी भी। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बाय करे तो डायरेक्ट सपोर्ट लेवल पे बाय कर ले, आपको वेट करना है कोई कंफर्मेशन का, कोई जो है उसके अंदर रिवर्सल आए, ठीक है ना। हो सकता है वो आपके लेवल को ब्रीच करता हुआ अगले लेवल पे आ जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने वेट करना है कन्फर्मेशन का कि भाई सपोर्ट लेवल पे आया, अब कुछ क्या मुझे बाइंग दिख रही है इसके अंदर,
मुझे 15 मिनट की कैंडल का वेट होने का भी इंतजार करना है। इस तरीके से काम किया जाता है। अगर मैं फिबोनाची लगाऊं नेट सॉल के लिए एक एग्जांपल के तौर पे, तो 82 रुपीज़ जो 10 पैसा का लेवल है, एवरेज इसकी मेरे हिसाब से वही है 82 रुपीज़ 38 पैसा, मतलब इसी लेवल के ऊपर ऊपर ये क्लोज रहे हैं। तो अब 82 रुपीज़ 10 पैसा का ये लेवल है। अगर यहाँ से कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो फिर मैं एक बाई ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। कितना टारगेट करूंगा, एटलीस्ट 0.5% से 1% तक मैं एटलीस्ट टारगेट करूंगा। अगर ये 82 को ब्रेक कर देता है, अगले लेवल पे आता है 81, मैं देखूंगा क्या है, ये सपोर्ट ले रहा है, ले लिया तो मैं बाय करूंगा। इस तरीके से काम किया जाता है। एनीवेज ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। इस तरीके से आप अभी बैठे हैं, सैटरडे संडे है ना, फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ है ना, अब आप इस तरीके से काम करें। आप 10-15 स्टॉक निकालें, उनके चार्ट्स खोलें, उनके अंदर आप देखें जो टॉप एक्टिव थे जिनके अंदर वॉलीटिलिटी अच्छी रही, आप उनको खोलें, उनके चार्ट खोलें, उनके लेवल्स निकालें। एटलीस्ट 5 स्टॉक्स के आपको लेवल्स निकाल लें। 5 स्टॉक्स के लेवल के बाद अब मार्केट खुल गई, उन सबको आपने अपने स्क्रीन पर लगा लेना है। आपने देखना है जैसे ही जिसके अंदर ब्रेकआउट आएगा, आपने 5 में से चलो कोई एक में तो आ सकता है ना, आप एक ही रखेंगे और एक में ब्रेकआउट ही ना आए तो फिर तो वो आपकी एक लूजिंग ट्रेड हो गई ना। इसलिए 5 स्टॉक्स मैं एटलीस्ट कहता हूँ 5 स्टॉक्स को आप निकालें, अब ट्रेडिंग करें, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी लर्निंग वीडियो भी थी, ठीक है ना, मार्केट एनालिसिस के साथ एक काफ़ी आपको अच्छी बड़ी मैंने एनालिसिस का एक बहुत बड़ा टिप भी दिखा दिया, ठीक है ना। और एक बात याद रहे, इंट्राडे ट्रेड में लॉसेस के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने रहना ये है कि आपका जो एटलीस्ट विनिंग रेट हो वो 60% या 70% एटलीस्ट हो, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था। तो इसके साथ मैं जाना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं अमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।